what a beautiful day. You know that cow is the mother of India. Cow is no doubt the mother of India. And then even if you touch the cows, you can get lot of positive energy, lot of positive energy even by touching the cows. That is what means cow. And ladies and gentlemen, why I'm just trying to show you on this road and on this roadside is the man behind all this, feeding this healthy food to these cows. What a great man. Kya naam hai Shubhnam bhai? सचिन जी है यार, सचिन जी मजा आ गया यार, मेरा तो एकदम मजबूर हो गया यार, मैं आपका ये फोटो उठाने के लिए, क्योंकि मैं जब यहाँ से रास्ते से जा रहा था तो मैंने बोला कि सोचा कि यार ये क्या हो रहा है, कौन इनको खिला रहा है, हो सकता है गवर्नमेंट खिला रही है। गवर्नमेंट इतनी अच्छी कैसे हो गई, कितना सिंपल है कि भाई कि आप यहाँ पर एक जगह बना कर रख लो, कुछ एक जगह बना कर रख लो गायों को, नहीं तो ये क्या खाती है, ये उसमें क्या बोलते हैं, मोम जाम खाती है, पॉलिथीन खाती है, सब चीज़ गंद वन में खाती है, क्योंकि उनको भी खाना है, गायों को भी बिचारियों को खाना है। गवर्नमेंट जो काम नहीं कर सकी, ये तो सोच की बात है, वो आपने करके दिखाया। तो आप कहाँ से लाते हो मेरे भाई ये सचिन जी? मैं फेसबुक से लाता हूं। अच्छा, वहाँ से लाते हैं तो कितने में मिलता है ये, क्या है, क्या चीज़ भाई ये खाने का, क्या है गाय का, मतलब है चारा है खाने का, हाँ अपना जो भी गाय का भोजन है जो भी है। तो कितने का मिलता है आपको किलो के हिसाब से? पाँच रुपए किलो। तो पाँच कितने किलो लाते हैं आप तकरीबन? 35 किलो लाते हैं। और इस साइकिल पर लाते हैं आप पीछे से लाद कर? कितनी बार लाते हैं आप यार, महीने भर या कब? रोज लाता हूँ। रोज लाते हो यार, ये तो कमाल की बात। ये तो इवन जो पेशाब है ना, इसको गौमूत्र बोलते हैं इंडियन पार्लेंस में, इसको साफ करके, हाइजीनिक करके, इसको भी इवन पीकर खाकर गौमूत्र या गोधन अर्क जो पतंजलि बेचते हैं, 1 लीटर मेरे ख्याल से 20-25 रुपए में बेचते हैं ना पतंजलि वाले, ये गौमूत्र वो भी अपने एकदम से शरीर के लिए एकदम से बढ़िया रहता है, शरीर का शुद्धिकरण करता है, इट इज द क्लिंजर ऑफ द बॉडी। इवन फॉर दैट मैटर दिस काउ डंग, यू नो इन कश्मीर वी यूज्ड टू, ऑफ कोर्स ये कश्मीर में हमने ये इससे जो गोबर है ना, गाय के गोबर से पूरे हम घर को शुद्धिकरण करते थे, साफ करते थे, इतना अच्छा है यार, ऐसी बात नहीं है। तो मगर आप रोज करते हो और इसमें चोकर डालते हो 1 किलो? हाँ डालते हैं, इसलिए खा लेती है थोड़ा, उसके सारे में होता है कि अपना खा लेते हैं, उससे वो हेल्दी हो जाता है। हाँ, थोड़ा दिल्ली खा लेती है, मतलब मैं तो वैसे खाती नहीं है बहुत ज्यादा, हर कोई गाय नहीं खाती है ना, तो अच्छा चोकर हिसाब से तो हर कोई गाय खा लेती है चोकर डालने से। चोकर खाने से डालती है हर कोई गाय खा लेती है, हर एक गाय खाती है। अब वैसे अगर नहीं डालोगे तो कोई वैसी गाय खाती है। अच्छा, फिर हो सकता है गाय खाएगी नहीं अगर चोकर नहीं डालेंगे। चोकर डाले मतलब कोई कोई से गाय खा लेती है, फिर नहीं खाएगी बाकी गाय। तो चाकर कितने, चोकर कितने खाते हैं? 25 रुपए। मतलब कि 150-200 रुपया आपके दो रोज ये खर्च होते हैं, 6,000 रुपया हो गया एक महीने में, तो आप ये पुण्य कमाना चाहते हो, मजा आ गया यार, व्हाट अ ग्रेट। काश हमारे यहाँ पर भी ऐसे संस्कार हो जाए, हम एक ड्राइव हो जाए कि हम भी कुछ इसको, मगर करेंगे, दिस नीड्स टू बी डन, इट इज ऑफ कोर्स इट इज अ डिवाइन जॉब फीडिंग द काउस, एंड रादर देन डूइंग दैट ऑल दैट काउ अनदर काउ माफिया काउ, गाय को बचाओ, अरे गाय को खिलाओ, यही तो हमको दूध देती है मेरे भाई। गाय का दूध जो होता है सबसे स्वादिष्ट और सबसे हेल्दी होता है, भैंस का दूध पीने से भैंस जैसा